एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी से बोला कि सुना तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए। तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं हमरा बेटा चाहिए, हमरा, अरे बोलो भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे। बोले नहीं मेहनत तो करिए, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश का कोशिश की क्या बात है, ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं ये बात सही है लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया तो ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ कर दो। खैर दो चार पांच दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर एक साल गुजरा, फिर हमल लुका, तब बीवी को समझा दी, समझी ले पहली बार तोरा माफ कर दू, अब की बार हमारा बेटा चाहिए ना तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या संभालूं, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की तो बेटी की शक्ल में, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई मालूम चला तो ये घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुना हमारे मौकिक समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहां ना रुको। तीसरी मरतबा बच्ची पैदा हुई लड़की की शक्ल में पैदा हुई और हकीकत में दिल्ली भाग गया, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया थोड़ा जामा धन रहोगा रहो। दो तीन महीने के बाद सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, दो चार फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है ले चलो। वह इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो चलो। घसेट के इसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा, बड़ी बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा है, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाजा और है उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता है कि वहां वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा है, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाजा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले न हमारे बाबा जी इन्ना से गिरावे नहीं दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली, बोली बाबा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया पसीना से सराबोर, बची गिलान भैया, बस अब दिल्ली में नहीं रुका। वो टिकट बनाया घर भागा 80 स्पीड से घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, बोला हमरा बेटा ने चौथी बेटी चाहिए। बीवी सजल गिरे बाबू रे, कोई जादू कर दिल किसकी, कोई ताबीज भी तुरा पिला लगन देगी। बहुत बहुत है। इसको चौथी बेटी इसको मिली कि नहीं है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को चार बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ये मदरसा जामिया राबिया लील बनात, आपने वादा किया कि हम बनाएंगे, ये मदरसा ऐसे नहीं बनेगा, संगे बुनियाद इनकी है। अब बुनियाद से लेकर के मदरसा रूम बनाना है, बच्चों का ठहरने की जगह होगी, बच्चों के पढ़ाने की जगह होगी। हमारे वकील साहब दामाद बरकातों या कह ले अल्लाह वाले ये परेशान है। तो मेरे भाई ये मदरसे ये मदारिस अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, कम अज कम 5 आदमी तैयार हो जाओ।
अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाल्लाह। हमने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाया नहीं होती है, किसी के साथ हो नेकी कर दो इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। इसलिए है कोई पहला नौजवान, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह, 10,000 रुपया या 5,000 रुपए देने वाला, 10,000 वाला या 5,000 देने वाला। है कोई पहला सखी जो मेरा भाई हो अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत, जिनकी माँ मर गई है बाप इंतकाल कर गया है, वो चाहता हो कि हम इस साल सवाब की नियत से अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत से ये मदरसा बना देंगे। इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, ये पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, और ये 5-10 हज़ार रुपये कुर्बान जाइए, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15-20-25-30 हज़ार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में दे दोगे, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई ऐसा नौजवान जो, वाह भाई वाह भाई, मुसाफा कर लिया, आ जाइए आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये पहला नौजवान तैयार हुआ है, दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई नौजवान इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। ये अजमतपुर की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है, जहाँ बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, सखी लोग रहते हैं, फयाज दिल वाले लोग रहते हैं, माशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई, भाई को आने दो, दो नौजवान को रास्ता, कहाँ गया वो नौजवान, नाम पेश कीजिए नाम। ये मेरे भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, है ये पहला नौजवान है माशाल्लाह, ये 10,000 रुपए देने के लिए अपने माँ बाप की साल और सवाब की नियत से, अपने मरहूमिन मरहूमात की साल और सवाब। गाँव गाँव अजमतपुर, अल्लाह मोहम्मद मोबिन भाई डीलर अजमतपुर, 10,000 रुपए इन्होंने ताबुन किया है। ए अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बिजनेस में तिजारत में बरकत दे, अल्लाह आमीन। अल्लाह हमारे मोबिन भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। एक बात याद रखियेगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता, कहाँ भेज देता बोलो, अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर की यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह की यहाँ भेज देता है, बोले झमेले खत्म भाग ली जा। हा हा हा, दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई मेरा भाई नौजवान, 10,000 रुपए देने वाला, हमारे मोबिन भाई की तरह कोई साथी बन जाओ इंशाल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई हो, अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह इसका जजा इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई एक मेरा भाई, कोई एक और सखी तैयार हो जाओ, 10,000 वाला एक आदमी और इंशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। हमारे मोबिन भाई पहले नंबर पे उन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है, पहले फहरिस्त में उसका नाम आया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, अजमतपुर का हो, चाहे वो अररिया का हो, चाहे वो बैरगाछी का हो, चाहे वो सुरजापुर का हो, कहीं का भी कोई नौजवान, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है दूसरे नंबर पे, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की जात की उम्मीद है, जहाँ पे मेरा अल्लाह ने पहले को चुना है इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा इंशाल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा उसका माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाएगा। नहीं तो मेरे भाइयों, कितने लोग दौलत लेकर मर जाता है लेकिन उसका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है, ये नहुसत है, ये मनहूसियत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह पैसा दे तो अल्लाह के रास्ते में सदका करना सीखो। अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता, बेशक बेशक मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब फरमा रहे थे कि लोगों,
जब कोई मुसलमान नमाज की इरादा करता है नमाज पढ़ने का तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है सदके का इरादा करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान, बोलो भाई कितना शैतान लग जाता है। हाय नारा लगाओ आप। अरे मजमा में से कोई नौजवान है जो नारा लगा दे, हजरत आप चुप रहिए, कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छानी नारा लगाओ नहीं हो वहां, देखो मिस कॉल से नारा लगा दे। नौजवान पहले के जैसा नौजवान अब कहाँ है, अभी तो नौजवान ऐसा है कुछ कुछ नौजवान जहाँ दादी बैठता हूँ नानी बैठता हूँ खाला बैठता हूँ फूफू बैठता हूँ जहाँ औरतें बैठेगी भैया घुस से बैठ जाए, ऐसे नौजवान को हम लोग बोलते हैं मोगिया। अपनो जबान हम की बोली, बोला अरे बोला नहीं हो। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी को मर्दक बोलावा लाठी लगे थे सांपक मारते हो, को मर्दक बोलावा लाठी लगे सांपक मारते हो। नौजवान भी वही था बुधवा, यो बोली जी को मर्दक बोलावा लाठी लगे सांपक मारते को मर्दक बोलावा। तो लोग आया सांप को मारा, एक आदमी कल गए तो मरा चिल्ला लो, बोला हमें भूली गिलान ले। ये हमारे भाई मोहम्मद अबू तालिब, मोहम्मद तालिब साहब बिन नसीमुद्दीन साहब माशाल्लाह राइस मिल वाले, 15,000 रुपए। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। 15,000 रुपए हमारे हजरत ने तालिब बाबू ने ताबुन किया है, ए अल्लाह इस सखी की ताबुन को कबूल कर एनो अल्लाह, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ए अल्लाह, उनके कारोबार में बिजनेस में तिजारत में राइस मिल में ए अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे अल्लाह। तालिब रामानी ए अल्लाह तालिब इस नौजवान के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन। माशाल्लाह दो जन हो गेलो, कतो जन होलो, अरे बोलो ना कतो जन होलो, दो जन होलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है, तीसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपए वाला, एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, एक अल्लाह का चहिता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का नूर नजर बेटा है तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है तीसरे नंबर पे जिसका नाम आ जाए। है कोई नौजवान है? सोचिए मत। इमाम साहब ने कहा कि लोगों नमाज जब मुसलमान इरादा करता है नमाज पढ़ने का दो चार शैतान लग जाता है, रोजा की नियत करता है दो चार शैतान लग जाता है, लेकिन जैसे सदके की नियत करता है 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो इमाम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ बोला शैतान की ऐसी की तैसी, उठ ले गेले घर आटा बोरा खोल के झोला में आटा कसल के कि आज हम 70 शैतान को हराएंगे आटा सदका करेंगे। जैसे ही आटा लेके निकल रहा था बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहाँ जे जा, बोले मैं सदका करे जी। तो बीवी कल की एक ते कमावे जाने घर में बैठ लो रोटी तो रही और रख लो आटा जी सदका करे ली, चुटा मैं रखा वहां ले आके झोला रखी दिल गई, आके मस्जिद में बैठ गया तो पूछने वाले ने पूछा कि क्यों शैतानक हरे लोग, बोले भैया हराबेल हमें तैयार छल पूरे मुकम्मल, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वह है हमारी गिलान है। नौजवान हो सोचो नहीं, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है उसी अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करो, मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई 10,000 रुपए देने वाला, एक मेरा और भाई तैयार हो जाए, मेरे भाई एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अरे कोई मेरा और कोई नौजवान है? कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, किसान हो, ताजिर हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई
तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मदरसे का संग बुनियाद होना है, बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, मेरा अल्लाह ये मदरसा बनाकर मर जाओगे, मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाएंगे आप। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह नेकियां अता फरमाता रहेगा, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश है, फिर भोजपुरी आपको हम सुनाएंगे। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 10,000 वाला, कोई कोई सखी है? तीसरे नंबर पे कोई है 10,000 वाला? एक आदमी और चाहिए था इंशाल्लाह, एक ही आदमी चाहिए था तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह। आज सौदा को सस्ता करूं, 5,000 वाला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए, कोई सखी हो, माँ का चहीता बेटा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का लख्ते जिगर बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा, कोई एक तीसरे नंबर पे 5,000 वाला 5,000 ताउन करने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है नाम लिखा दे, कल वकील साहब के हवाले कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए बैठा है? तीसरे नंबर पे कोई है? एक आदमी भाई, एक आदमी कोई है, एक आदमी कम से कम तीन आदमी हो जाइए मेरे भाई। देखिए मैंने 10,000 मांगा, 10,000 मांगा, लोगों ने 15,000 दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तालिब भाई 15,000 दिए, मैंने 10,000 मांगा, मोबिन बाबू ने 10,000 रुपए दिए। बस तीसरे नंबर में मैं 5,000 मांग रहा हूँ, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, है अल्लाह का कोई सखी बंदा? ये मोहम्मद रहबर आलम बिन नूर मोहम्मद मरहूम, आहा मां मैनापुर। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ये अपने माँ बाप के नाम पर दिया, कुर्बान जाओ। है, है, है। अभी जिंदा है तेरी माँ, बहुत हो अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, बहुत हो इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाल्लाह रहमत रहमत माशाल्लाह करप्शन अकवा ककरवा बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 10,000 रुपए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रहमत बाबू कहाँ? रहमत बाबू है कोई? ए माशाल्लाह मुसाफा कर ली, आ जाइए मुसाफा कर ली। ए माशाल्लाह नाम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए ताकि कांटेक्ट करने में सहूलत, ये लिखिए माशाल्लाह 10,000 रुपए। अच्छा कौतो जन हो लो माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आमीन, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह कारोबार में तरक्की दे, बिजनेस में तरक्की दे, आमीन, अल्लाह माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला। तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर जलाल मोहम्मद फरमान, फरमान साहब बिन
करीमुद्दीन मरहूम के नाम पर 5100 रुपए, सुरजापुर के रहने वाले हैं जनाब मोहम्मद फरमान साहब बिन करीमुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5100 रुपए, 5100 रुपए। कत जन हलो बोलू ना, 5 जन हलो। अल्लाह ने 3 दिन को, 3 दिन में जमीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया, तीन कितना हुआ। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 6 नंबर पे माशाल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मोहम्मद दिलशाह साहब बिन अतीक साहब 5100 रुपए, मैनापुर के रहने वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो, आमीन। जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में तिजारत में बिजनेस में बरकत दे, आमीन। आपको जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। कत जन होलो, 6 जहन्नमेर कोटा दरवाजा, 7 एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और चाहिए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 5000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे, कोई अल्लाह का सखी, कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगोजीदा बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के लखते जिगर बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा, कोई सखी है जो 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में इस मदरसे के अंदर में ताउन करना करने वाला हो, मदरसा जामिया अल्हम्दुलिल्लाह लिल बनात के अंदर में दान करने वाला हो, अल्लाह चंदा देने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला हो, संगे बुनियाद के कामों में हिस्सा लेने वाला हो, 5000 रुपए खर्च करने वाला, इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग बैठे हैं, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह मैं सौदा को सस्ता कर दूंगा, बस एक आदमी इंशाल्लाह है कोई 7वें नंबर पे, एक मेरा भाई और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और इंशाल्लाह, चाहे मुखिया जी हो, मुखिया जी मेंबर आ गया माशाल्लाह, हे 7वें नंबर पे आ गया, हे हाय हाय हाय, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर माशाल्लाह। हे देखिए 7वां नंबर पे नौजवान तैयार हुआ, हे देखिए आया 8वां भाई, जो हजरत लिखा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि दे देंगे जो लिखा रहे हैं भाई, देखिए अच्छा इमरान घाटोल बेलवा, जितना जल्दी हो सके, ये पैसा जो आप दे रहे हैं ये अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, मन जल्लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह कुरान में कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह आपसे कर्जा मांग रहा है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे, फिर इसको बढ़ाकर हम उसे वापस करेंगे, कब इस दुनिया में आखिरत में अल्लाह इसको बढ़ाकर आपको वापस करेगा, इसलिए आप वादा अल्लाह से कर रहे हैं जितना जल्दी हो गए, मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में जलसा खत्म हो, पास में पैसा नहीं घर से ला कर दे दीजिएगा, नहीं कल सुबह तक कल दोपहर तक दे दीजिएगा, अरे मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना जाने कब मौत आ जाए, हो सकता है ये पैसा कर्जा रह जाए, तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, इसलिए पहली फुर्सत में इस पैसे को कर्जा को नहीं रखना है, पहली फुर्सत में इस पैसे को अदा करना है। ए माशाल्लाह, ए मोहम्मद इमरान बाबू बिलवा के मोबाइल नंबर इमरान बाबू का ले लीजिए, इंशाल्लाह मोबाइल नंबर ले लीजिए, सबका मोबाइल ले लो। अच्छा कत जन हो लो, 7 जन हो गए लो, जन्नतेर कोटा दरवाजा 8, एक आदमी और चाहिए है कोई नौजवान, अरे जन्नत में जाना है ना, जन्नत का 8 दरवाजा 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह है कोई नौजवान है भाई, एक आदमी और चाहिए, एक आदमी लास्ट आदमी चाहिए, बस लास्ट आदमी चाहिए, 5000 रुपए देने वाला 8वें नंबर पे कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा इस नौ सौदा को सस्ता करूं इंशाल्लाह है कोई सखी है, कोई सखी है, कोई माँ का चहिता बेटा लाडला बेटा है, कोई एक आदमी 5000 रुपए देने वाला, कोई बड़ी रकम नहीं है, ए नौजवानों 5000 रुपए अररिया लेकर जाओ, पूर्णिया लेकर जाओ, यूं खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, झोला खाली रह जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा,
आखिरत में भी देगा, अल्लाह इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अच्छा इस सौदा को सस्ता करूं, 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं, जरा अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अपनी जगह से उठिए, आकर हमसे मुसाफा कीजिए। तो पहला कोई नौजवान, आपके लिए भी वही 10 दुआ करेंगे जो सबके लिए 10 दुआ किया है, वही 10 दुआ आपके लिए भी होगी। 1500 रुपए देने वाले किसी के पॉकेट में, ए देखिए पहला नौजवान, माशाल्लाह, माशाल्लाह, 1000 रुपया है, 500 रुपया है, लेकर आइए। कितने लोग तैयार हो रहे, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए मेरे भाई, 1500 वाले 5 आदमी कम से कम तैयार हो। ए देखिए दूसरा नौजवान आया, ए देखिए माशाल्लाह दूसरा नौजवान आया, मोहम्मद अफरोज आलम बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए दूसरा नौजवान, अब भाई तीसरा कोई नौजवान है, 1500 रुपए। ए नौजवानों, ये 1500 तो तुम गुटका पान खा करके थूक देते होगे, माशाल्लाह आज दे दोगे 500 रुपए घर में जमा हो जाएगा। ए देखिए नौजवान और आया माशाल्लाह, हमने आप हमने आप भाई आने वाले को रास्ता दे दिए, रास्ता दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन आमीन। और कुछ भाई, मेरे भाई 4 आदमी हुए भाई, भाई पांचवा कोई नौजवान है जिसके जेब में 1000 रुपया 500 रुपया हो। ये देखिए एक बच्चा इधर से भी आया, वाह बेटा वाह, जियो मेरे शेख, 1500 रुपये, अच्छा अच्छा, मरहूम नजाम साहब, इनके वालिद साहब मरहूम है अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, अब्दुल रऊफ साहब बिन रहमत अली माशाल्लाह, मरहूम के नाम पर, बिन रहमती मरहुमा के नाम पर 5200 रुपए, मैनापुर के रहने वाले हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनके इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह मरहुमा रहमती को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला सलामत रब्बानी।